भाभी जरा मैं बोलूं चुप रहा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आप सभी को मेरा प्रणाम है, मेरे छोटों को जी भोरी आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और ये बच्चा मुझे कैसे देख रहा है, ये वही बच्चा है जिसका नाम शिवली है, जो परसों बेहद ही बुरी कदर डर चुका था, ये वही लड़का है, बिल्कुल सही समझे आप। और आज के ब्लॉगिंग चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मेरे बाल देखना, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये आप लोग जो ससुराल से मायके जाते हैं वो समझ सकते हैं कि थोड़ा मायके में आलस सा आता है। इन पर तो मैंने कंघी लगाई नहीं, कंघी लगाना तो अशुभ है मेरे लिए तो मैंने कंघी लगाई नहीं और मैं जा रही हूँ आज ससुराल। मेरा जाने का मन नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा, और बारिश वाला मौसम भी हो गया, आज स्कूटी भी नहीं है मेरे पास, मुझे बस से जाना है, तो फिर मैं अभी तो तैयार ही नहीं हूँ। टाइम हो चुका है 5:02, तो फिर मैं जल्दी से तैयार होकर आपको मिलती हूँ। ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहने, कहीं इधर उधर भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना वरना खींच के ले आऊँगा। तो आज इसके चेहरे पे थोड़ी स्माइल नज़र आई क्योंकि इसे पता चल रहा मेरा वीडियो बन रहा, लेकिन ये अपनी माँ के दहशत में काफ़ी रहता है, माँ बहुत खूंखार बनी हुई रहती है, पढ़ा रही है क्योंकि ये पढ़ता नहीं है ढंग से, इसलिए चाहिए इसको कुछ प्रसाद चल चल पढ़ाई कर। वो देख रहे इसका मुँह, अब इसकी माँ मारेगी इसके थोपड़े अभी बन रहा ना, उसकी माँ को पता है वीडियो बन रहा, वीडियो के सामने ठीक नहीं, पब्लिक की ये चीज़ें लोग ज़्यादा नोट करते, तो इसलिए पब्लिक की हाथापाई नहीं ठीक है शिवली, बच गया तो इन लोगों की वजह से, वरना तेरे अभी तक धुलाई हो जाती। पढ़ाई कर चल गंदा लड़का, और पूछ की बाहर दादी के साथ, दादी के पीछे पड़ी हुई है कि चल 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 घूमने की, तो मैं तैयार हो जाती हूँ यार, फिर मिलती हूँ ठीक है। तो दोस्तों व्लॉग मैंने दरअसल कल ही शूट कर लिया था, थोड़ा सा मतलब कि जाने का, पर वो मैं उस दिन बारिशों भी बहुत तेज तो मैं जा नहीं पाई, वो मैं थोड़ा दिखा दूंगी आपको, अभी थोड़ा क्लिप डाल दूंगी, मैंने बनाया था बारिश का भी। और अब मैं निकलती हूँ, मैंने तैयार श्यार कुछ नहीं हुई, ये मेरा घर का सूट है वही पहना, तो मैंने वही सूट पहना क्योंकि जो मैं पहन के आई थी उस दिन वो बहुत थोड़ा टाइट है, तो मेरा पहनने का मन नहीं कर रहा गर्मी गर्मी से चिकनी, तो फिलहाल तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे सब है, इनका शोर गोल हो रहा है, पुचकी के पैसे ले रहे, ये मैंने दिए इस बार पुचकी को, मतलब दोनों भाइयों के 50-50 ले। फिर आप बोलोगे कंजूस, इस बार मैं थोड़ा ज्यादा रह के जा रही हूँ, तो मैंने कहा चल दे दे दे। बता दूँ आज संडे है और मैं आई थी मंडे को, उस दिन मेरा फास्ट था, और आज मैं जा रही हूँ संडे को, पूरे 6 दिन बाद। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको मिलती रहूंगी, जैसे जैसा होता रहेगा, जो जो होता रहेगा मेरे इस दिनचर्या में आप बने रहना, बिल्कुल नाराज मत होना। चल पूछगी, ओ पापा, पूछी पापा बोल दे, पापा पापा, पूछी पापा पापा बोले, पूछी पापा, ए लाडी पापा पापा, अरे पापा, ये पापा बहुत अच्छा बोलती है, पापा ही बोलती है, मम्मी मम्मी तो बोल नहीं रही, कभी कभी दादा दादा कर रही, मम्मी ये जब गिरती गुरती है ना तभी बोलती है मम्मी। शिवली टाटा टाटा, लोगों ने पूछा कि तूने मार तो नहीं खाई, खाई तूने मार, बच गया था, किसने बचाया, ढंग से बोल जरा, मिल गया प्रसाद, बदतमीजी का यही शिला मिलेगा। और हाँ मुझे छोड़ने भैया आ रहे, तो ये लोग ए चल भाभी मियां चल रामा। तो दोस्तों सारी टीम आ चुकी है ये मेरे पीछे और मैं भी चलती हूँ क्या एक दिन मुझे ना जमीन पे ना 5 और 1 रुपए कितना हुआ, 5 रे 10 छह, खुशी क्यों फेंक रही उसे, नहीं चाहिए, देख बुलबुल, चल ठीक है मैं जा रही हूँ, ये बुलबुल पुई पुई पुई, तो सबके सब मुझे छोड़ने आ रहे, कुछ तू भी जा रही है गंदी लड़की, भाभी को भी दे दिया मैंने, भाभी मैं तो देने क्या, चल कोई खुश रहने में दीदी, तेरे नाक पे क्या लगा दिया, ये सपना का नाक, सॉरी सॉरी टाटा टाटा, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे, ये फेरी शिवना
बाय बाय जय कह दे पूजी, पूजी जय कर, ओए पूजी जय जय सिर जय कह दे, जय कर जय आप डर बात में जय पहलू बात राम दो आप डर से बाबा आज से समझ गए जय कह दे, जय कह दे पूजी उनको करूं बात ए बांदरा जय कर हम को भी निकाल सिर जय कर दे जय कर बोल सिर ले में तेरे पूछ बे चल दे जमीन आंदो पूजी पूजी टाटा दरवाजा ओए पापा चल ठीक ठाक है ना ओके अरे क्या भाभी पर नाम है फोन में यार चल ठीक चलो ठीक है गाइस हैं ओए शिवली खुशी पैर पूर छू लो बेशर्मो मेरे बखान छू बोल का मैंने सुना जो पैसे मांगने को तो टपा टपा पकड़ी तुम खुश रह बड़ी हो जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा पढ़ाई करो ओए गधे चल देखने का कभी शर्म लगा नहीं था मेरे बजू एक दूरी दुई माला और टांग दे चल ठीक फिर भाभी हैं पूछे ओए पूछ के आंटी को बोले कुछ 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 ए टाटा पूछे टाटा उसका नाक देखना टाटा चलो ठीक है गाइस चलते हैं भैया इंतजार में हैं मैं निकलती हूँ हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे अब हाईवे से यहाँ डोईवाला का फ्लाईओवर थोड़ा दूर है तो फिर चलते हैं मिलते हैं डोईवाला के फ्लाईओवर तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फ्लाईओवर है मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है बहुत अच्छा मौसम है यहाँ इस साइड एक रेस्टोरेंट है उसका नाम है लक्ष्मी रेस्टोरेंट ये है टोल टैक्स टोल टैक्स दो पहियो वालों का ठीक है बिना टोल टैक्स का भी भागो ये रही हमारी माई की मस्जिद और यहाँ पे शायद भंडारा लगा था जो अब ख़त्म हो चुका है 100 रुपये के दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ सेब लेने अब देखती हूँ लेती हूँ 100 का 150 तो भैया कर रहे हैं मेरा वेट वहाँ पे मैं थोड़ा दूर इस साइड को चली गई थी भैया यहाँ पे मेरा यू का मतलब था कि हम चल पड़े तो मैं और भैया पहुँच चुके हैं घर पे पास ही एक और देख रही पूछ की तो दोस्तों मेरे दगड़ियों टाइम हो चुका है 7:45 और आज हमारे मतलब मेरे जेठ जी भी जा रहे हैं और सब्जी तो बना ली मैंने अब रोटी भी बना ली तो थोड़ी देर में जेठ जी जाएंगे तो फिर इस करके हमने जल्दी बना ली मतलब मैंने तो फिर आपको मिलूंगी मैं खाना खिलाने के बाद मिलती हूँ ठीक है खाना बन चुका है तो भैया आए थे मुझे छोड़ने और भैया के साथ ही जाएंगे अब जेठ जी अरे वे मगर रात में लगना कह रहे कि मैं कितना काला लग रहा हूँ काले ही तो आप ब्लैक मैन ब्लैक ब्यूटी तो जेठ जी जा रहे हैं काजू तेरे को याद तो नहीं आ रही याद तो नहीं आ रही भारी हो रहा चल चलो काजू क्या हुआ तेरे को याद आ रही क्या काजू क्या हुआ बता ले क्या हुआ क्या वो कुछ कहना चाहेगी
कुछ कहना चाहिए बाद में? ठीक है, अभी लोगों के सामने बता ले। तो फाइनली जेजी तैयार हो गई जाने के लिए। तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो फाइनली जेठ जी जा चुके हैं। काजू बहुत उदास सी नजर आ रही है मेरे को। तो दोस्तों काजू बहुत ज्यादा उदास हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा उदास। I'm very happy. खिले खिले से तो आप। और आप लोगों को एक बात और बता रहे हैं। बाबा मेरे का पापा चावल देखना। पहले बोलते थे हमारे, मतलब हमारे में बोलते हैं जितने चावल अटकते हैं सिर पे उतने बच्चे होते हैं, कि ये चावल तो मुझे अनगिनत लग रहे, इतने बच्चे कौन करेगा यार। तो मरी जाऊंगी। इतने बच्चे पहले के जमाने में होते थे यार, 12-13 बच्चे है ना। और तब की लेडीज भी काफ़ी परफेक्ट रहती थी, मतलब उनका शरीर काफ़ी कर्मठ रहती थी, बहुत काम करती थी। आजकल तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ तब आ रही, पहले बेड रेस्ट बता दे रहे। मतलब ऐसा हो गया, वो सिचुएशन हो गया ना। पहले की लेडीज, मम्मी बताती, मेरी माँ बताती है कि जब मेरे भैया 9 महीने के थे पेट में, तो मेरी मम्मी घास लेने जाती थी, वो भी कहीं चोरी करने दूर कैसे पहाड़ों की साइड को। तो फिर मतलब वो टाइम, मतलब उस टाइम का खान पान भी ऐसा ही था, ओरिजिनल था सब कुछ। आजकल तो सब कुछ लोकल हो गया, तो हमारा शरीर भी ये ढांचा लोकल हो चुका है। तो शायद इसी के करके है ना। चलो मेरे मस्ती मजाक बहुत हुआ, काजू को मैं हंसाने की कोशिश कर रही थी, वैसे तो काजू हंसे भी थे और ज़्यादा। तो अभी काजू चावल गर्म कर रही है और हम चावल खाएंगे, थोड़ी सब्ज़ी भी बची हुई है, ज़्यादा खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, सुबह का ही बचा होगा तो वही खाऊंगा। आप भी वही खाया करो, मोटे हो जाओगे मेरी तरह जो पतले। और काजू बोली तू रहने तो झूठ बोल देगी, मेरे पे लगता है अब है ना, अलग अलग शरीर होता, क्या कह सकते। तो आज जो मैंने किया ने ब्लॉग डाला था कल परसों वाला, तो उसमें आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि मतलब भैया के बारे में भी बताया करो कि कॉल गोल। तो कॉल का तो हिसाब ही अलग है। जिस दिन मैं मायके गई थी, कितनी तारीख थी यार, मतलब मंडे था उस दिन, और जब मैं मायके पहुंच गई थी तो उसके अगले दिन मंगलवार को मतलब उनकी कॉल आई थी, और थोड़ी सी बस 1 मिनट ही बात हुई होगी, और उसके बाद अगले दिन उन्होंने फिर कॉल किया, तो फिर बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई क्योंकि नेटवर्क ही नहीं था शायद, बिल्कुल ही नहीं। तो फिर नहीं हुई तब से, मतलब कॉल ही नहीं आया, इंतज़ार ही कर रही मैं उसके बाद कॉल का। मैं बैक कॉल भी नहीं कर पाती क्योंकि एसटीडी से कॉल आती है, तो लगता ही नहीं स्विच ऑफ बता रहा है, तो मतलब उतने दिन से कॉल आए नहीं और ध्यान ही नहीं जा रहा कहीं, वहीं ध्यान है कि कॉल ही नहीं कर रहे। मतलब ना पता है मुझे नेटवर्क नहीं है वहाँ, फिर भी मतलब होता है ना मन को एक कर दे एक बार तो हाँ तो ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बाकी तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बस यही है, कुछ बात होती तो वो भी बताती, बातचीत हुई नहीं बस। ये मैं बीच वाले, ये मैं व्लॉग के बीच में डाल रही हूँ क्लिप, क्योंकि किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया, बाकी तो व्लॉग ये दूसरा है, अब बने। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर सबने करना, सबने सारी दुनिया ने शेयर कर दो मेरा चैनल यार। आजकल मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, मुझे बड़ा दुख सा हो रहा, पर कोई बात नहीं, आप लोग सब्सक्राइब करते जाना, जिन्होंने व्लॉग देख लिया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं मिलूंगी आपको कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, उसके बाद भी स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, और मैं भी स्वस्थ हूँ मस्त हूँ, और बिजी भी रहिए अपने अपने कामों में, छे यार मच्छर चढ़ गाना। मैं मिलूंगी आपको कल के ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय, लव यू ऑल।